आज हम बनाना सीखेंगे ढाबा स्टाइल चना दाल फ्राई की मज़ेदार सी रेसिपी। इसे हम बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। ये इतनी टेस्टी बनके तैयार होती है कि इसे एक बार मेरे तरीके से बनाकर देखिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी ये रेसिपी। फ्रेंड्स, मुझे जुकाम हुआ है इसलिए मेरी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा। आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आज की ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एयर किचन में। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ढाबा स्टाइल चना दाल फ्राई बनाने के लिए हम सबसे पहले 1 कप चना दाल लेंगे। चना दाल को हम बनाने से पहले 1 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख देंगे। चना दाल को 2 से 3 बार पानी से अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसे हम कुकर में डाल देंगे। चना दाल को कुकर में ट्रांसफ़र करने के बाद अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप चना दाल के लिए 1.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अब इसमें हम 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे और साथ ही डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। हल्दी और नमक डालने के बाद अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच तेल डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब कुकर में सीटी आएगी तो तेल के वजह से हमारे कुकर का ढक्कन जो है गंदा नहीं होगा। अब चना दाल को हम हाई फ्लेम पर 2 सीटी आने तक पका लेंगे। अगर आपने दाल को पहले से भिगोया नहीं है तो दाल को आप 3 से 4 सीटी लगने तक पका लीजिएगा। अब एक पैन गरम करके उसमें हम डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच तेल। तेल डालने के बाद अब तेल को हम धुआं आने तक गर्म करेंगे। जब तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे कुछ साबुत मसाले। तो यहाँ पर मैंने डाला है 1/2 छोटा चम्मच साबुत जीरा, 1 तेज़पत्ता, 4 से 5 लौंग, 10 से 12 काली मिर्च और 1 इंच लेंगे दालचीनी का टुकड़ा। अब इन सारे खड़े मसाले को डाल देंगे और साथ ही डालेंगे 1/4 टीस्पून हींग। अब इन सारे खड़े मसाले को हम कुछ सेकेंड के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे ताकि इनका फ्लेवर तेल में अच्छी तरह से आ जाए। तो यहाँ पर खड़े मसाले जो हैं अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को मैंने वेजिटेबल चॉपर से बारीक चॉप करके तब लिया है। अब प्याज को हम अच्छी तरह से चलाएंगे। प्याज को हमें ज़्यादा भूनना नहीं है, इसका कलर हल्का चेंज होने तक हमें भूनना है। तो यहाँ पर प्याज का कलर जो है हल्का चेंज हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 7 से 8 बारीक कटी हुई लहसुन की कलियाँ, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और साथ ही 1.5 इंच अदरक के टुकड़े को बारीक चॉप करके डालेंगे। लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को भी प्याज के साथ 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेंगे। तो यहाँ पर प्याज, अदरक, लहसुन सभी अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे 2 मीडियम साइज के बारीक चॉप किए हुए टमाटर। आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। टमाटर डालने के बाद टमाटर को अच्छी तरह से चला लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे कुछ सूखे मसाले। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1.5 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर। धनिया की क्वांटिटी हम थोड़ी ज़्यादा रखेंगे। 1 छोटा चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। मिर्च की क्वांटिटी आप अपनी पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर डाला है 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और कलर के लिए डाला है 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी इसलिए शूट नहीं हो पाया है। अब इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। हम नमक और हल्दी का इस्तेमाल हिसाब से ही करेंगे क्योंकि चना दाल को उबालते वक्त हमने हल्दी और नमक का इस्तेमाल किया है। इस वक्त नमक डालने से टमाटर जल्दी से पक जाएंगे। अब इसमें हम 2 से 3 बड़े चम्मच पानी डालेंगे। पानी डालने के वजह से मसाले जो हैं जलेंगे नहीं और अच्छी तरह से पक जाएंगे। पानी डालने के बाद अब इसे हम अच्छी तरह से चलाएंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब क्या करेंगे, इसे ढककर हम लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। इसे बीच बीच में हम चलाते भी रहेंगे ताकि मसाले जो हैं नीचे से जले नहीं। जब तक मसाले हमारे पकेंगे तब तक हम दाल को चेक कर लेते हैं। कुकर के ठंडा हो जाने के बाद इसके ढक्कन को खोलेंगे और दाल को चेक करेंगे। आप देख सकते हैं कि दाल अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। दाल को हमें ज़्यादा गलाना नहीं है, इसे हमें खड़े ही रखना है। मसालों को पकाते हुए हमें 5 मिनट हो चुके हैं। मसाले जो है अच्छी तरह से पक चुके हैं। मसालों को हम हाई फ्लेम पर 1 मिनट के लिए भून लेंगे जिससे कि मसाले जो है अच्छी तरह से पक जाए। तो यहाँ पर मैंने मसालों को अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें क्या करेंगे, चना दाल डाल देंगे। चना दाल डालने के बाद दाल को हम अच्छी तरह से चलाएंगे जिससे कि दाल और मसाले आपस में अच्छी तरह से मिल जाएं। तो यहाँ पर मैंने दाल को अच्छी तरह से मिला लिया है।
मुझे दाल जो है थोड़ी गाढ़ी लग रही है, इसीलिए इसमें मैंने आधा कप पानी डाल दिया है। आपको जितनी ज़रूरत हो उतना ही पानी डालें। वैसे भी चना दाल फ्राई गाढ़ी ही अच्छी लगती है। अब इसे हम ढक देंगे और ढक कर लो फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए पका लेंगे। दाल को पकाते हुए हमें 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब इसे हम चेक करेंगे। ये देखिए हमारी चना दाल फ्राई अच्छी तरह से पक चुकी है। दाल को हम इतनी ही गाढ़ी रखेंगे। अब इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और साथ ही डालेंगे आधा छोटा चम्मच किचन किंग मसाला पाउडर। अगर आपके पास किचन किंग मसाला नहीं है तो आप इसकी जगह पर सब्जी मसाला भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आज की ये रेसिपी और मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सारी चीज़ें मिलाने के बाद अब इसे हम ढक देंगे और ढक कर 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे। 2 मिनट बीत जाने के बाद ढक्कन हटाकर चेक करेंगे तो यहाँ पर हमारी चना दाल फ्राई बनके तैयार हो चुकी है। आप इसका कलर और टेक्सचर देख सकते हैं कि कितना अच्छा आया है। तेज पत्ता को इसमें से निकाल देंगे क्योंकि इसका फ्लेवर हमारे चना दाल में अच्छी तरह से आ चुका है। आप चाहें तो इसे नॉर्मली ऐसे भी खा सकते हैं, पर इसे हम ढाबा स्टाइल बनाने के लिए क्या करेंगे, इस पे एक तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए यहाँ पर मैंने एक तड़का पैन लिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 2 बड़े चम्मच घी डाल देंगे। आप चाहें तो घी की जगह पर तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब घी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच साबुत जीरा। जीरे को अच्छी तरह से चटकने देंगे। अब गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें हम डालेंगे 2 साबुत लाल मिर्च। अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को हम बाद में डालेंगे, नहीं तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जल के खाली हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, तड़के को दाल के ऊपर डाल देंगे। अब तड़के को हम क्या करेंगे, चम्मच से दाल के ऊपर फैला देंगे। तड़के को फैलाने के बाद अब दाल के ऊपर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। फ्रेंड्स, तड़का लगाने की वजह से हमारे दाल में से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो ये हमारी ढाबा स्टाइल चना दाल तड़का बन के रेडी हो गई है। एक बार इसे मेरे तरीके से बनाकर देखिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी ये रेसिपी। इसे आप पूरी, पराठा, नान, कुलचा के साथ सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।